भीलवाड़ा के मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस जांच के लिए अब रियल टाइम पीसीआर मशीन पहुंच गई है। इसको लेकर इंस्टॉल करने का कार्य भी अब प्रारंभ कर दिया गया है। मशीन की शुरुआत इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च पुणे से स्वीकृति मिलने के बाद हो जाएगी। आपको बता दें कि मशीन दानदाताओं के सहयोग से मंगवाई गई है, जबकि राज्य सरकार की ओर से भेजी जाने वाली मशीन अगले सप्ताह तक यहाँ पर पहुंचने वाली है। इन दोनों ही मशीनों के लग जाने के बाद यहाँ पर रोजाना 200 से अधिक जांच शुरू हो जाएगी। वहीं कोरोना महाकर्फ्यू के चौथे दिन भी शहर की सड़कें सुनसान नजर आई, तो वहीं सोमवार को कोरोना रिपोर्ट में कोई भी मरीज पॉजिटिव नहीं पाया गया, जिससे चिकित्सकों ने भी एक राहत की सांस भीलवाड़ा मिली है। ज्यादा सैंपल यहाँ हुए हैं और आप देखिए नए मेडिकल कॉलेजेस में ये पहला मेडिकल कॉलेज है जिसको मुख्यमंत्री जी ने एक मशीन दानदाताओं के सहयोग से दिलाई है। एयू फाइनेंस बैंक ने ये मशीन दी है, ये मशीन इंस्टॉल हो चुकी है और जैसे ही इसको ICMR पुणे से हमको हमारा कंट्रोल टेस्ट अप्रूव हो जाएगा, यहाँ पर जाँच शुरू हो जाएगी और एक मरीज एक मशीन सरकार के द्वारा भी हमको दी जा रही है, तो वी विल बी गेटिंग 2 मशीन्स। इट्स ए मैं भीलवाड़ा के लोगों को और बधाई देता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 मशीनें भीलवाड़ा को दिलाई हैं, क्योंकि इस प्रॉब्लम को स्टार्ट यहाँ से हुई थी। ये एक बड़ा चिंता का विषय बन गया था पूरे विश्व में कि भीलवाड़ा में कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बड़ी आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो जाए, लेकिन आई एम थैंकफुल कि हमारे CM ने, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, SESL ने एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट और यहाँ की जनता ने भी जो भी हम लोगों ने अपीलें की है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए भीलवाड़ा से मेरे सहयोगी योगेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, बड़ी यहां पर उपलब्धि प्रशासन ने दिखाई है भीलवाड़ा में, चूंकि कहा जा रहा था कि पहले इस तरीके से चीज बढ़ी वहां पर ऐसी मशीन का पहुंचना, और बताया जा रहा है कि एक और मशीन ऐसी पहुंचने वाली है, सहूलियत यहाँ पर लोगों को होने वाली है, क्या कहेंगे आप? भीलवाड़ा में क्या है कि महाकर्फ्यू का चौथा दिन है और यह सबसे पहले नेगेटिव कोरोना पॉजिटिव की संख्या सबसे ज्यादा हुई थी, इसलिए प्रशासन ने, मुख्यमंत्री ने सबसे पहले दानदाता के सहयोग से एक मशीन उपलब्ध कराई जो भीलवाड़ा के मेडिकल कॉलेज में एस्टेब्लिश हो चुकी है, स्वीकृति के लिए भेजा है। जैसे ही स्वीकृति मिलती है जाँच चालू हो जाएगी। और दूसरा है की राजस्थान सरकार की तरफ से भी एक और मशीन आने वाली है। भीलवाड़ा में पहला मेडिकल कॉलेज होगा जिसमें 2 मशीन है। भीलवाड़ा के कोरोना पॉजिटिव या सैंपल जो लेते हैं उनको तो यहाँ से बहुत फायदा मिलेगा ही, लेकिन आसपास के क्षेत्रों को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि जयपुर जाता था सैंपल उसमें कम से कम 2 दिन या 1.5 दिन लग जाते थे, लेकिन यहाँ लोकल व्यवस्था होने के कारण रिपोर्ट्स जल्दी आएंगी। जी जय दी। योगेश, एक और चीज है, जिस प्रकार से प्रशासन ने वहाँ पर पूरा मौके पर हालात संभाले, जिस तरीके से, वो वाकई काबिले तारीफ है। उसी की तर्ज पर अब जयपुर में भी कुछ ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहाँ महाकर्फ्यू की बात की जा रही है। कितना सफल रहा महाकर्फ्यू का मिशन भीलवाड़ा में? भीलवाड़ा में महाकर्फ्यू का मिशन पूरी तरह सफल रहा है, क्योंकि जिस तरह से शहर की सीमाएं और कॉलोनी की सीमाएं बैरिकेड से बिल्कुल बंद कर दी गई थी और आम जन को बार बार प्रशासन के द्वारा अपील की गई कि अपने घरों में रहें, स्वयं को स्वस्थ रखें, परिवार को स्वस्थ रखें, और प्रशासन के द्वारा जो अलग अलग चरणों में जो सर्वे कराया गया, स्क्रीन कराया गया, जिसके कारण संदिग्ध मरीजों की पहचान हो सकी और उनके सैंपल बार बार जयपुर भेजे जा सके हैं, और पॉजिटिव मरीजों को ध्यान रख के बहुत अच्छा प्रयास रहा भीलवाड़ा में। बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद योगेश, भीलवाड़ा से आपको खबर बता रहे हैं। जांच की सहूलियत के लिए कोरोना को जिस प्रकार से हराने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार, मशीन यहां पर इंस्टॉल कर दी गई है। एक और मशीन यहां पर राज्य सरकार के द्वारा भीलवाड़ा के मेडिकल कॉलेज में पहुंचने वाली है और जल्द ही इंस्टॉलेशन के बाद में कार्य भी शुरू हो जाएगा।